हरिद्वार के रिहायशी इलाके में एक मगरमच्छ घुसने की घटना सामने आई है। बता दें कि ये पूरा मामला एक रिहायशी इलाके का है जहां पर एक मगरमच्छ घुस गई। उसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया और मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। बता दें कि रिहायशी इलाके में 3 विशालकाय मगरमच्छ मिली है और इसके बाद बीती सुबह बंसल स्टोर क्रेशर के पीछे सूर्य उदय के साथ ही गांव के निकट 3 मगरमच्छ दिखने के बाद गांव के लोगों में हड़कंप मचा। रिहायशी इलाके में मगरमच्छ मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इसी क्रम में स्थानीय निवासियों ने मगरमच्छ निकलने की सूचना DFO नीरज शर्मा को दी। मगरमच्छ के मिलने की सूचना मिलते ही DFO नीरज शर्मा तुरंत ही वन विभाग की टीम के साथ मगरमच्छ को पकड़ने के लिए निकले। DFO नीरज शर्मा ने कहा कि जल्द ही रेस्क्यू टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया जाएगा। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। इससे पहले तो किसी ने सूचना नहीं दी थी, लेकिन अभी आप लोगों ने दिखाया तो हम लोग इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। अपना अनुमति चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से लेके और इनको हम रेस्क्यू करके, चूँकि इसके आसपास आबादी क्षेत्र भी है, तो हम इनको रेस्क्यू करके बहुत जल्दी जो है सुरक्षित जो इनका वास स्थल है वहाँ पर छोड़ेंगे। और साथ में चूँकि देखिए बरसात में ये कुछ तरह का है कि जो बरसाती बाढ़ का पानी आता है उसके साथ ये गंगा नदी से मगरमच्छ जो है वो इधर आ जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास, जो तालाब या इस तरह के गड्ढे जहाँ पे पानी भरा रहता है, और कई बार जो है वापस ये उधर जाते नहीं हैं बैक, तो यहीं पर रह जाते हैं और फिर यहाँ उन तालाबों में या दूसरे उसमें इनको जो खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती हैं खाते हैं। तो जहाँ से भी हमें सूचना प्राप्त होती है तो उसको हम जो नियमानुसार कार्रवाई है उसको करके और इनको रेस्क्यू करके और वास स्थल में इनको छोड़ते हैं।